Yes. Happy day, very good morning, boys and girls. I welcome you all to another session of Secretarial Practice. अगले वाले session में हम अब देखने वाले functions of financial market. We started the discussion of financial market and function in the last lecture. Let's continue with the discussion. Discussion से आगे बढ़ते हैं. पूरे 10 point है features functions में. Out of the functions of the financial market, we have already discussed the first 5 functions of the financial market. The first talks about transfer of resources. अगर आपको कुछ याद है तो हमारे पास एक एंटरप्रेन्योर है. एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति नहीं है. एंटरप्रेन्योर अपनी साई बाबा पैठनी एंड जेंट्स वेयर खोलने वाला था, जिसको 25 लाख की रिक्वायरमेंट थी. और मंगरुलकर, कौटेकर, नलगिलकर, कौटेकर एब्सेंट है, कंशुक्लेकर, ये सब लोगों के पास पैसा है. सबसे पहले हमने देखा फाइनेंशियल मार्केट का डेफिनेशन क्या है. व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर इज अरेंजमेंट. इट्स सच एन अरेंजमेंट वेयर द इन्वेस्टर्स ऑफ द फंड फॉर सरप्लस फंड्स मीट द बोरोअर्स ऑफ द फंड. अ मार्केट वेयर द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोअर्स मीट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल मार्केट. इज और नो राइट? एक ऐसा मार्केट जहां पर बोरोअर और इन्वेस्टर मिलते हैं, ऐसे मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं. हमारे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, वेयर एज कैपिटल मार्केट इज फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर. यस और नो? आया ना? राइट. लास्ट वाला एग्जाम्पल उम्मीद करता हूँ आपको याद है. इसी के बेसिस पे हमने सारे फंक्शंस का डिस्कशन स्टार्ट किया था. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस का ट्रांसफर फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से होता है. कैसे? तो हमने उस दिन समझा था. हमारे एंटरप्रेनर को 25 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन इस एंटरप्रेनर के पास 25 लाख रुपए थे नहीं, क्योंकि पैसा तो जॉब वाले के पास होता है, बिजनेस वाले के पास थोड़ी पैसा होता है. हो गए जो जॉब वाले के पास पैसा होता है, बिजनेस वाले के पास पैसा तो नहीं होता. तो सारे जॉब वाले अपने अपनी सेविंग करके फिक्स डिपॉजिट करने लगे, और उसी फिक्स डिपॉजिट को बतौर लोन बैंकों ने ऐसे एंटरप्रेनर को दिया है. राइट. दिस एंटायर एग्जाम्पल गिव अस एन आइडिया हाउ देयर इज ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस of savings of a person to a person who is a borrower of the funds. जैसे मैंने कहा कि जो borrower है और जो investor है, they do not directly meet with each other in the market, right? So there are participants who help to link between the investors and the borrower. That participant is part and parcel of the market, which is called as the financial market. जो service वाले होते हैं, job वाले होते हैं, वो अपने salary में से savings करते हैं. इन सेविंग्स को घर रख के तो ग्रोथ होना नहीं है. सो इसीलिए हम इस पैसे को ग्रोथ बतौर इन्वेस्टमेंट के बतौर वो बैंक में, कमर्शियल बैंक में फिक्स डिपॉजिट के बतौर इन्वेस्ट करते हैं. जब ये पैसा फिक्स डिपॉजिट बतौर कमर्शियल बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है, कमर्शियल बैंक इन्हीं पैसे का इस्तेमाल कर जो एंटरप्रेनर होते हैं उन्हें फंड्स जो है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं. हाँ या ना? राइट. सो इन दिस वे वी कैन सी देयर इज ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, द एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम द इन्वेस्टर टू द बोरोअर ऑफ द फंड. नेक्स्ट, प्रोडक्टिव यूसेज. अब जो जॉब कर रहा है, जिसकी सेविंग है, जैसे कहा कि इन लोगों के पास 25 लाख रुपए की सेविंग है, अगर 25 लाख रुपए को तिजोरी में रखो, डू यू थिंक इट इज प्रोडक्टिव? नो. बट एज दिस मनी कम्स इनटू द फाइनेंशियल मार्केट, देयर इज प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ द कैपिटल. जो जॉब वाले हैं, जो एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा. जो फाइनेंशियल मार्केट के इंटरमीडियरीज है, जो इन्वेस्टर और बोरोअर को मिला रहे हैं, दे विल ऑल्सो अर्न प्रॉफिट, क्योंकि जो डिपॉजिट वो ले रहे हैं उसके ऊपर वो लो इंटरेस्ट पे करेंगे, प्लस एंटरप्रेनर से वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो इंटरेस्ट हाई होगा. तो जो भी डिफरेंस होगा वो कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट होगा. एंटरप्रेनर लोन किस लिए लेता है? दिवाला निकालने के लिए. आंसर इज नो. वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए लेता है. एंटरप्रेनर के पास जब पैसा आएगा, उसे वो बिजनेस करेगा और बिजनेस से वो प्रॉफिट कमाएगा. तो पैसा 25 लाख ही है, लेकिन उसका रिवॉर्ड इन्वेस्टर को जा रहा है, उसका रिवॉर्ड बोरोअर को जा रहा है, और उसका रिवॉर्ड पार्टिसिपेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को भी जा रहा है. तो कैन वी से देयर इज प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ द कैपिटल? यस. नेक्स्ट, एनहांसिंग द इनकम. एनहांसिंग इनकम वाले पॉइंट में भी वही पॉइंट सेम है. जो फिक्स डिपॉजिट करता है उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका प्रोडक्टिव यूसेज हुआ, एनहांसिंग इनकम होता है. क्योंकि घर पड़े पड़े 25 लाख तो बढ़ने नहीं है. जब 25 लाख को बदर फिक्स डिपॉजिट आप इन्वेस्ट करोगे, तब जाके उसके ऊपर रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. और ये जो इंटरेस्ट मिलता है, इट इज नथिंग बट एनहांसिंग द इनकम ऑफ द सैलरीड पर्सन. फॉर कमर्शियल बैंक,
वट एवर डिफरेंस इंटरेस्ट दे अर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग बट एनहांस इनकम ऑफ द कमर्शियल बैंक। और साई बाबा साड़ी डिपो तो पहले था नहीं, अब ये बिजनेस स्टार्ट करके उनको जो एडिशनल इनकम होगा दैट विल बी एडिशनल एनहांसमेंट ऑफ इनकम इन अमेरिकन टवार फैमिली, राइट? दिस इज हाउ द इनकम इंक्रीजेस और देर इज एनहांसमेंट ऑफ इनकम। पैसा बहुत है। नेक्स्ट कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स। अगर ये 25 लाख रुपए सैलरीड लोग अपने अपने तिजोरी में दबा के रखते, बाहर निकालते ही नहीं, तो फिर देर वोंट बी कैपिटल क्रिएशन। क्रिएशन ऑफ कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग कैपिटल। कैपिटल क्रिएशन कैसे होता है? अगर आपको याद है तो मैंने चैप्टर नंबर 9 ना, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 में सिखाया था कि हाउ इज कैपिटल क्रिएटेड। ये लोग जो अपने 25 लाख रुपए किसी बैंक में जमा करते हैं, उसमें से क्या निकाला जाता है? सेविंग्स को जमा कर बैंक में डिपॉजिट किया जाता है। जो कुछ भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। कुछ याद है, कुछ ऐसा कंसेप्ट सिखाया था मैंने इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी डिपॉजिट। क्या कहते हैं उसे? प्राइमरी डिपॉजिट। क्या डिटेल आंसर लिखते हैं, CRR लिख दिया, SLR लिख दिया, तो उसका पॉइंट ये है, मैंने छोटे छोटे में समझाया था। तो इस प्राइमरी डिपॉजिट में से कैश रिजर्व रेशो निकाला जाता है, कुछ अमाउंट बैंक बाजू में निकालती है और बचा हुआ सारा पैसा जो है आगे लेंड किया जाता है, फिर वही पैसा दूसरे बैंक में जमा होता है, उसके अंदर से थोड़ा रेशो, ऐसे करते करते एक चेन बनता है कैपिटल फॉर्मेशन का। अगर आपको याद है उस वक्त मैंने एग्जाम्पल लिया था कि एक 10,000 से 50,000 का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी हिसाब से जो 25 लाख रुपए बतौर फिक्स डिपॉजिट बैंकों में आ रहे हैं, इससे सिर्फ 25 लाख रुपए का कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, इससे 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसा अनगिनत नंबर, मतलब मल्टीपल नंबर का कैपिटल क्रिएशन होता है। क्योंकि सर्कुलर फ्लो में, इकोनॉमी में पैसा जो है वो घूमते रहता है, पैसा घूमने की वजह से वो 25 लाख रुपए 2 करोड़ के काम करते हैं। है 25 लाख रुपए ही, लेकिन जब वो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में घूमते हैं, फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस, बिजनेस टू बैंक, बैंक टू गवर्नमेंट, सर्कुलर फ्लो में यही 25 लाख रुपए 2 करोड़ का काम करते हैं। जैसे हमने उस दिन एग्जाम्पल देखा कि बैंक में अगर 25 लाख रुपए जमा किए, उसमें से 10% लेट से 2.5 लाख रुपए अगर CRR भी निकाल दिया, 22,50,000 रुपए बैंक ए को लोन देने के लिए, फिर वो पैसा अगर बैंक बी में जाता है 22,50,000 रुपए, उसमें से और 2.5 लाख निकाल देते, तो वापस वो 20 लाख रुपए लोन देते हैं, उसी पैसे को बार बार लोन दिया जाता है। कब तक? जब तक वो छोटे अमाउंट तक ना पहुंचे। सो दिस इज हाउ कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन की बेसिक नीड क्या है? सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। प्राइस डिटरमिनेशन। अब शेयर मार्केट में बहुत से सिक्योरिटीज होते हैं, अब इन सिक्योरिटीज के प्राइसेस जो है, मार्केट वैल्यू जो है, वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो है वो डिटरमाइन किए जाते हैं। तो इन्वेस्टर जो रहेगा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो ट्रेड करेगा उसके लिए जो प्राइस पे करेगा, दैट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दिस वर द लास्ट फोर पॉइंट्स वी डिस्कस्ड। एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल मैकेनिज्म। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय एन इन्वेस्टर सो एज टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ सच एसेट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहां पर फाइनेंशियल एसेट को बेचने और खरीदने का या लिक्विडिटी मेंटेन करने का हर बिजनेस को चांस मिलता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट में दो मार्केट कौन से बता सकते हो? कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? ठीक है, कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? एक हद पे एग्जाम्पल बताइए। स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज है ना। दो मिनट के लिए फर्ज कीजिए कैपिटल मार्केट है नहीं, कैपिटल मार्केट नहीं है, तो आप जो शेयर्स बेचोगे किसे बेचोगे? आज समझ लो रिलायंस कंपनी को किसी एक प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ के शेयर्स इशू करने हैं। कितने के इशू करने हैं? 50,000 करोड़, 50,000 रुपए, 50,000 करोड़। रिलायंस कंपनी को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ के शेयर्स इशू करने हैं। ऐसे केस में जस्ट एलिमिनेट द कैपिटल मार्केट। समझ लो कोई कैपिटल मार्केट या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं। डू यू थिंक इट्स ए इजी टास्क टू रीच आउट ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर? ऑलरेडी एक रेडी सेट मार्केट है,
ऑलरेडी एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर कंपनी की लिस्टिंग की हुई है, शेयर्स वहां पे ट्रेड होते हैं, अपने 50,000 करोड़ उनके लिए एक हफ्ते के अंदर जमा हो जाते हैं। ये रेडी स्ट्रक्चर है, इसीलिए पैसे कलेक्ट करना या पैसे रेस करना पॉसिबल है। दो मिनट के लिए फर्ज कीजिए, कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में, देयर इज नो स्टॉक एक्सचेंज। फिजिकल फॉर्म में तो पता ही है प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन लो, शेयर सर्टिफिकेट भेजो, रजिस्टर मेंटेन करो, कितने कितने कुछ चीजें करने पड़ती है। आज के डेट में इतने वॉल्यूम में ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि सब ऑनलाइन चीजें चलती हैं, कभी कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, परेशानी काम नहीं, मेंटेनेंस का काम नहीं, मतलब लेटर लिखते लिखते सारे इंडिया के कबूतर को काम मिल जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, इतने लेटर लिखने पड़ते हैं अगर सारा फिजिकल फॉर्मेट में सब काम होता तो। अगर आज कैपिटल मार्केट ना हो, स्टॉक एक्सचेंज ना हो, तो रिलायंस कंपनी के लिए 50,000 करोड़ किसी प्रोजेक्ट के लिए शेयर्स बेचकर रेज करना, डू यू थिंक इट्स अ सिंपल टास्क? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस इज हाउ द सेल मैकेनिज्म, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको बेचने का एक मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? कैपिटल मार्केट। आज कैपिटल मार्केट है इसीलिए कोई कंपनी शेयर्स इशू करने का सोच रही है, इसीलिए कोई कंपनी डिबेंचर्स इशू करने का सोच रही है, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम इन सिक्योरिटीज को बेचकर पैसा जो है वो रेज कर सकते हैं। आया ना, राइट? ऑल ड्यू टू द सेल मैकेनिज्म ऑफ द कैपिटल मार्केट वी हैव व्हाई द कंपनीज डील्स इन वेरियस सिक्योरिटीज। कंपनी को मालूम है इक्विटी शेयर्स अगर लिस्ट कर दे तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक एक्सचेंज पे बेचकर ऑटोमेटिकली पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स को बेच के पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, डिवेंचर्स को बेच के पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ हमको लिस्टिंग करना है स्टॉक एक्सचेंज की। पर अगर ऐसा कोई बेचने करने का मैकेनिज्म ना हो तो कोई सिक्योरिटी बनाकर बेचे ही क्यों? रिगार्डिंग माय पॉइंट, सो इट प्रोवाइड्स अ सेल मैकेनिज्म टू ऑल द सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रांसफर, मोबिलाइजिंग ऑफ फंड्स। कॉर्पोरेट को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, हाउस होल्ड के पास आइडियल फंड्स काफी होता है। एक सेकंड सर, मैं आपको कॉल करता हूं। कॉर्पोरेट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, कॉर्पोरेट्स आर ऑलवेज इन नीड ऑफ फंड्स। ऑन द कॉन्ट्ररी द हाउस होल्ड्स हैव एक्सेस ऑफ फंड्स और यू कैन कॉल्ड एज सेविंग्स। हाउस होल्ड में नॉर्मली सैलरीड लोग, जॉब करने वाले लोग या अपने छोटे मोटे उद्योग की बिजनेस कर कर पैसे जमा करने वाले लोग होते हैं, राइट? इन लोगों के पास सेविंग होती है, कॉर्पोरेट को हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। अब जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन हाउस होल्ड क्या डायरेक्ट कॉर्पोरेट पे ट्रस्ट करता है क्या? नहीं, उसे भी एक रेडी मैकेनिज्म चाहिए जिसके अंतर्गत वो पैसा अपना इन्वेस्ट हो करे लेकिन उसके पैसे सुरक्षित हो, सेफ हो, राइट? इसलिए बैंक भी चूज करने थे SBI बैंक। कोई बोले भाई HDFC मध्ये इन्वेस्ट करा कांशु क्लिक नको नको, प्राइवेट बैंक पैसे डुबवले तर नको, SBI मध्ये आपण इन्वेस्ट करू, व्याज दर कमी तर कमी चालेल। इन्वेस्टर को सेफ्टी चाहिए, इन्वेस्टर को सेफ्टी चाहिए, इन्वेस्टर को जो है वो सेफ्टी चाहिए पैसे की। तो ये सारा मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट हिज सेविंग्स इनटू द मार्केट। जब वो इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है, अपने आप से वो पैसा एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेट के लिए अवेलेबल होता है। सो देर इज प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स वेयर द सेविंग्स ऑफ द हाउसहोल्ड्स आर मेड अवेलेबल टू द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द कॉर्पोरेट, एंड दिस इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ द मार्केट एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। आइडियल फंड्स इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स कैन बी प्रोडक्टिव यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट। Investors that have savings must be linked with the corporates that require investment. So the financial market enables the investor to invest their saving according to their choices and risk assessment. This will utilize the ideal funds and the economy will boom, right? इसी हिसाब से जो लोग LIC में निवेश करते हैं, fixed deposit में invest करते हैं, mutual funds में invest करते हैं, ये सारे savings होते हैं जिसे invest किया जाता है और इन्हीं सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाता है। जो कॉर्पोरेट जिन्हें फंड रिक्वायरमेंट होते हैं उन्हें फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस इज नथिंग बट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। विद सेविंग्स एक्सेस ऑफ द मनी और द सेविंग्स अवेलेबल विद द हाउस होल्ड्स आर मेड अवेलेबल टू द कॉर्पोरेट्स हु आर नीड एंड रिक्वायर ऑफ द फंड्स। दिस पर्टिकुलर टास्क और दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग दिस सेविंग्स इनटू फंड और कैपिटल फॉर द कॉर्पोरेट इज कॉल्ड एज मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विडिटी। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स यू लिक्विडिटी। दो मार्केट कौन से हैं? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट।
मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट विच प्रोवाइड्स यू फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर. फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर, जब कभी भी मार्केट के अंदर पैसा जो है एक साल से कम समय के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ऐसे मार्केट को हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट. क्या कहते हैं भाई? मनी मार्केट. मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर. सो क्या मनी मार्केट से किसी भी कॉर्पोरेट की लिक्विडिटी के इश्यू को ट्रेस किया जा सकता है? द आंसर इज यस. व्हेनेवर द फंड्स आर मेड और प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर, दैट मींस ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट व्हिच विल बी ट्रेडेड इन द मनी मार्केट आर हाईली लिक्विड. Are you clear? I clear with my mind. Understand the point. What do you mean by liquid asset? Liquid asset kya hai? Any asset or any instrument which can be converted into cash within a short span is called as a liquid asset or liquid instruments. So whatever instruments which are traded in the money market are liquid instruments. That means they can be readily converted into cash. Bill of exchange. Aayega aapka accounts. Bill of exchange is a liquid asset. Can you convert the bill of exchange into cash? Yes. But in which market? Money market, not in the capital market. Do we have trading of the bill of exchange in the capital market? The answer is no, because in money market we'll be trading only those instruments which have a period of more than 1 year. Sorry, capital market. In capital market we trade only those instruments which have a period of more than 1 year. But in money market we'll trade all those instruments which are of a period of less than 1 year. Okay, so liquidity to a organization is provided with the help of financial market. Again my question, liquidity kaun se requirement ke liye hoti hai? Short term. But kaun sa capital? Nashib. Kaun bola answer? Goju bola na abhi. Answer working capital bola na. Kaun bola? Om Anantal, three sources of working capital. To tu bolna abhi mai ko. Give me answer of any three sources of working capital. बोलू नको. हाँ अनंतवाल, एनी थ्री सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. तेरे दिए हुए वाइवा की पूरी जीरो कर दूंगा. सच्ची बोल. हाँ गायत्री, थ्री सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओवर ड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल सोर्सेस. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल? कैपिटल. नाइस. Financial market provides mechanism for liquidating the financial instruments. This means at any given time the investor can sell their financial instruments and convert them into cash. This is an important factor for the investors who do not want to invest their funds in the long period. Ab samajh lo, kuch log hain wo kuch zyada hi conservative, unhe bola nahi nahi itna bhi zyada na ko, 2-3 saal 4-5 saal itni bhi risk na, apna paisa apne jawar theek hai, ek ek saal ke liye maximum, bas ek saal ke liye paisa invest karenge, usse zyada nahi. So, are there options where people can invest their funds for a period of 6 months? The answer is yes. Deposits are of two types. Kaunse deposits? Fixed deposits and saving deposits. Fixed deposits and saving deposits. हाँ मुझे मालूम है टाइम और डिमांड है, लेकिन मैं यहाँ पे फिक्स्ड और सेविंग की बात कर रहा हूँ. मैं उन दोनों की टाइप की बात, मैं तुमको बोला क्या टाइम डिपॉजिट के दो टाइप बताओ? मेरा सवाल क्या था? डिड आई से व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ टाइम डिपॉजिट्स? क्यों भाग रहे हो भाई? मैंने ऐसे बोला क्या? टाइम डिपॉजिट के दो टाइप बताओ, डिमांड डिपॉजिट के दो टाइप. मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स डिपॉजिट, दूसरे होते हैं सेविंग डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट में टाइम पीरियड है, तो फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल क्या हम मनी मार्केट के लिए करेंगे? नहीं. विल बी यूजिंग दैट फॉर कैपिटल मार्केट. तो यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट का रिलेवेंस क्या है? क्यों बात कर रहा हूँ मैं सेविंग डिपॉजिट की? यहाँ पे हम लिक्विडिटी पॉइंट पढ़ रहे हैं. लिक्विडिटी का क्या पॉइंट कर रहा है? द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्वेस्टर्स हु डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर फंड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अब इन लोगों के पास 25 लाख रुपए है, कांशु लेकर सब ये नलगिलकर सबके 25 लाख रुपए, इनको 5 साल के लिए इन्वेस्ट ही नहीं करना है. अगले साल ही शादी है, नेक्स्ट ईयर 1 ही साल के लिए इन्वेस्ट करना है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन For a period of less than 1 year. For a period of less than 1 year. Oh, Gayatri. For a period of less than 1 year. We have to invest that funds for a period of less than 1 year. Now, that investor, will he invest his funds in fixed deposit? The answer is no. So,
सो दूसरा कौन सा डिपॉजिट है जहां पैसा रख तो सकते हैं उसके ऊपर कुछ रिटर्न भी मिलेगा और वहां पे टाइम रिस्ट्रिक्शन जो है वो लॉन्ग पीरियड का ना, तो वो है सेविंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में वापस लॉन्ग पीरियड के लिए रखना पड़ता है। इज इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड? द आंसर इज नो। इसीलिए वहां सेविंग डिपॉजिट्स मैंने बताया। तो व्हाट एवर मनी इज देयर दैट विल बी पुट अप इनटू द सेविंग डिपॉजिट्स, और अगली साल बिटिया जब शादी करेगी तब वो पैसे निकाल लिए जाएंगे। नेक्स्ट इजी एक्सेस। अगला पॉइंट क्या है? इजी एक्सेस। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इजी एक्सेस। बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर। इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड दे बोथ नीड ईच अदर। बोथ द इन्वेस्टर्स एंड द इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर। इंडस्ट्री और हाउस होल्ड दोनों एक दूसरे की जरूरत है, राइट? जैसे सर टीचर और स्टूडेंट्स, पति और पत्नी, क्या बोलो तू? नॉटी। बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स कैन फाइंड ईच अदर इजीली। इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। प्रश्न होगा, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस? इन दोनों को मिलाने का काम कौन करता है? तो फाइनेंशियल मार्केट। आज हमारे शेट्टी को पैसे की जरूरत थी साई बाबा पैठनी एंड जेंट्स वेयर के लिए। अभी इन्वेस्टर्स थे तो इन इन्वेस्टर्स को मिलाने का काम कौन किया? इनको मिलाने का काम किया है फाइनेंशियल मार्केट ने। इन इन्वेस्टर्स को उस शेट्टे के साथ मिलाने का काम कौन किया है? फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो ये शेट्टे को कभी जिंदगी में भी ना मिले। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग द सेविंग इंटू कैपिटल एंड कॉर्पोरेट यूज दिस फंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स टू अंडरटेक द प्रोडक्टिव और कमर्शियल एक्टिविटीज देयर बाय लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है? हाउ इज दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल? दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल बाय कन्वर्जन और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव कैपिटल। यस और नो? राइट। सो यू कंप्लीट ऑल द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू सो मच।